मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी शिकार, आइए सुनते हैं मेरी यानी कि प्रशांत की आवाज में। फटे वस्त्रों वाली मुनिया ने रानी वसुधा के चांद से मुखड़े की ओर सम्मान भरी आंखों से देख करके राजकुमार को गोद में उठाते हुए कहा, हम गरीबों का ऐसे कैसे निभा हो सकता है महारानी, मेरी तो अपने आदमी से एक दिन न पटे, मैं उसे घर में बैठने न दूं, ऐसी ऐसी गालियां सुनाऊं कि छठी का दूध याद आ जाए। रानी वसुधा ने गंभीर विनोद के भाव से कहा, क्यों, वह कहेगा नहीं कि तू मेरे बीच में बोलने वाली होती कौन है, मेरी इच्छा जो होगी वह मैं करूंगा, तू अपनी रोटी कपड़ा मुझसे ले लिया कर, तुझे मेरी दूसरी बातों से क्या मतलब, मैं तेरा गुलाम थोड़े ही हूं। मुनिया को यहां काम करते हुए बस 3 ही दिन हुए थे और उसका काम था बच्चों को खिलाना। पहले 2-4 घरों में वह चौका बर्तन कर चुकी थी, पर रानियों के साथ में अदब से बात करना अभी वह सीख न पाई थी। उसका सूखा सा सांवला चेहरा उत्तेजित हो उठा, कर्कश स्वर में बोली, जिस दिन उसने ऐसी बात कही ना, मैं उसकी मूछें उखाड़ लूंगी, वह मेरा गुलाम नहीं तो क्या मैं उसकी गुलाम हूं, अगर वह मेरा गुलाम है तो मैं उसकी गुलाम हूं, मैं आप नहीं खाती उसे खिला देती हूं, क्या वह मर्द का बच्चा है, पल्लेदारी में उसे बहुत कसाला करना पड़ता है, आप चाहे फटे पहनूं पर उसे मैं फटे पुराने नहीं पहनने देती, जब मैं उसकी ओर इतना करती हूं तो मजाल है कि वह मेरी ओर आंखें उठाए, अपने घर को आदमी इसीलिए तो छाता छोपता है कि उससे बरखा से पानी से बचाव हो सके, अगर यह डर लगा रहे कि घर न जाने कब गिर पड़ेगा, उससे तो ऊख की छांव कहीं ठीक है, कल ना जाने कहां गाता बजाता रहा, 10 बजे रात को आया तो मैं उससे बोली भी नहीं, लगा मेरे पैरों में घिघियाने को, तब जाकर के मुझे दया आई, यही बस मुझ में एक बुराई है कि मुझसे उसकी रोनी सूरत नहीं देखी जाती, इसी से वह कभी कभी बहक जाता है, पर अब मैं भी पक्की हो गई हूं, फिर किसी दिन झगड़ा किया तो या वही रहेगा या फिर मैं रहूंगी, क्यों किसी की धौंस सहूं सरकार, जो घर में बैठ करके खाए ना वही धौंस सहे, यहां तो मैं बराबर की कमाई करती हूं। वसुधा ने उसी गंभीर भाव से फिर से पूछा, वह तुझे बैठाकर खिलाता तब तो उसकी धौंस सह लेती। मुनिया जैसे लड़ने पर उतारू हो गई, वह बोली, बैठा करके कौन क्या खिलाएगा सरकार, मर्द बाहर काम करता है तो हम भी घर में काम करते हैं ना, कि घर के काम में कुछ नहीं लगता है, बाहर के काम में तो रात को छुट्टी मिल जाती है, घर के काम से तो रात को भी छुट्टी नहीं मिलती है, अगर पुरुष यह चाहे कि मुझे घर में बैठाल करके आप सैर सपाटा करते फिरे तो मुझसे यह ना सहा जाएगा। यह कहती हुई मुनिया राजकुमार को लिए हुए बाहर चली गई। वसुधा ने थकी हुई रुआसी आंखों से खिड़की की ओर देखा, बाहर हरा भरा बाग था जिसके रंग बिरंगे फूल यहां से साफ नजर आ रहे थे और पीछे एक विशाल मंदिर आकाश में अपना सुनहरा मस्तक उठाए हुए सूर्य से आंखें मिला रहा था। स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्र और आभूषण पहने पूजा करने को आ रही थी। मंदिर की दाहिनी तरफ तालाब में कमल प्रभात से सुनहले आनंद में मुस्कुरा रहे थे और कार्तिक की शीत रवि छवि जीवन ज्योति लुटाती फिरती थी, पर प्रकृति की यह सुरम्य शोभा वसुधा को कोई हर्ष न प्रदान कर सकी। उसे जान पड़ा कि प्रकृति उसकी दशा पर व्यंग से मुस्कुरा रही है। उसी सरोवर के तट पर केवट का एक टूटा फूटा झोपड़ा किसी अभागिनी वृद्धा की भांति रो रहा था। वसुधा की आंखें सजल हो गईं। पुष्प और उद्यान के मध्य में खड़ा वह सूना झोपड़ा जिसके विकास और ऐश्वर्य से घिरे हुए मन का सजीव मित्र था, उसके जी में आया कि जाकर झोपड़े के गले लिपट जाऊं और खूब रोऊं। वसुधा को इस घर में आए हुए 5 साल हो चुके थे। पहले उसने अपने भाग्य को सराहा था, माता पिता के छोटे से कच्चे और आनंदहीन घर को छोड़कर के वह एक विशाल भवन में आई थी जहां संपत्ति उसके पैरों को चूमती हुई जान पड़ती थी। उस समय संपत्ति ही उसकी आंखों में सब कुछ थी, पति प्रेम गौण वस्तु थी, पर उसका लोभी मन संपत्ति पर संतुष्ट न रह सका, पति प्रेम के लिए वह हाथ फैलाने लगा। कुछ दिनों से उसे मालूम हुआ कि मुझे परम रत्न मिल गया है, पर थोड़े ही दिनों में वह भ्रम जाता रहा।
कुंवर गजराज सिंह रूपवान थे, उदार थे, बलवान थे, शिक्षित थे, विनोदप्रिय थे और प्रेम का अभिनय करना भी जानते थे। उनके जीवन में प्रेम से कंपित होने वाला तार नहीं था। वसुधा का खिला हुआ यौवन, देवताओं को भी लुभाने वाला रूप रंग केवल विनोद का सामान था। घुड़दौड़ और शिकार, सट्टे और मकार जैसे सनसनी पैदा करने वाले मनोरंजन में प्रेम दबकर के पीला और निर्जीव हो गया था और प्रेम से वंचित होकर के वसुधा की प्रेम तृष्णा अब अपने भाग्य को रोया करती थी। दो पुत्र रत्न पाकर के भी वह सुखी नहीं थी। कुंवर साहब एक महीने से ज्यादा हुआ शिकार खेलने गए और अभी तक लौट करके नहीं आए, और यह ऐसा पहला अवसर नहीं था। हाँ, अब उनकी अवधि बढ़ गई थी। पहले वह एक सप्ताह में लौट आया करते थे, फिर दो सप्ताह का नंबर चला और अब कई बार से एक एक महीने की खबर लेने लगे हैं। साल में तीन तीन महीने शिकार की भेंट हो जाते हैं और शिकार से लौटते तो घुड़दौड़ का राग छिड़ जाता है। कभी मेरठ, कभी पूना, कभी बंबई, कभी कलकत्ता, और जब घर पर रहते तो अधिकतर लंपट रईसजादों के साथ में बैठ करके गप्पे उड़ाया करते थे। पति के यह रंग ढंग देख करके वसुधा मन ही मन कुड़ती थी और घुलती जाती थी। कुछ दिनों से हल्का हल्का उसे बुखार भी रहने लगा था। वसुधा बड़ी देर तक बैठी उदास आंखों से यह दृश्य देखती रही। फिर टेलीफोन पर आकर के उसने रियासत के मैनेजर से पूछा, कुंवर साहब का कोई पत्र आया है? फोन ने जवाब दिया, जी हाँ, अभी खत आया है मैडम, कुंवर साहब ने एक बहुत बड़ा शेर मारा है। वसुधा ने जल करके कहा, मैं यह नहीं पूछती, आने को लिखा है, कब आ रहे हैं वो? आने के बारे में तो कुछ नहीं लिखा है, यहां से उनका पड़ाव कितनी दूर है? यहां से कोई 100 मील से कम नहीं होगा, पीलीभीत के जंगलों में शिकार हो रहा है। मेरे लिए 2 मोटरों का इंतजाम कर दीजिए, मैं आज वहां जाना चाहती हूं। फोन ने कई मिनट के बाद में जवाब दिया, 1 मोटर तो वह साथ ले गए हैं, 1 हाकिम जिला के बंगले पर भेज दी गई है, 3री बैंक के मैनेजर की सवारी में और 4थी की मरम्मत हो रही है। वसुधा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वह बोली, किसके हुक्म से बैंक के मैनेजर और हाकिम जिला को मोटरें भेजी गई हैं? आप दोनों वापस मंगाइए, मैं आज ही जाऊंगी। उन दोनों साहबों के पास में हमेशा मोटरें भेजी जाती हैं मैडम, इसीलिए मैंने भेज दी। अब आप हुक्म दे रहे हैं तो मैं मंगवा लेता हूँ। वसुधा ने फोन से आकर के सफर का सामान ठीक करना शुरू किया। उसने उसी आवेश के साथ में आकर के अपना भाग्य निर्णय करने का निश्चय कर लिया था। परित्यक्ता की भांति पड़ी रह करके जीवन को समाप्त वह नहीं करना चाहती थी। वह जाकर के कुंवर साहब से कहेगी कि अगर आप समझते हैं कि मैं आपकी संपत्ति की लौंडी बनकर के रह गई हूं तो यह मुझसे नहीं होगा। आपकी संपत्ति आपको मुबारक हो, मेरा अधिकार आपकी संपत्ति पर नहीं, आपके ऊपर है। अगर आप मुझसे जौ भर भी हटना चाहते हैं तो मैं आपसे हाथ भर हट जाऊंगी। इस तरह की और कितनी ही विराग भरी बातें उसके मन में बगुलों की भांति आकर के बैठ रही थी। डॉक्टर साहब ने द्वार पर आकर के पुकारा, रानी साहब मैं अंदर आ जाऊं? वसुधा ने नम्रता से कहा, आज क्षमा कीजिए, मैं जरा पीलीभीत जा रही हूं। डॉक्टर ने आश्चर्य से कहा, आप पीलीभीत जा रही हैं? आपका बुखार बढ़ जाएगा, इस दशा में मैं आपको जाने की सलाह नहीं दे सकता। वसुधा ने विरक्त स्वर से कहा, बढ़ जाएगा तो बढ़ जाने दीजिए, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। वृद्ध डॉक्टर पर्दा उठा करके आ गया और वसुधा के चेहरे की ओर ताकता हुआ बोला, लाइए मैं टेम्परेचर ले लेता हूं, अगर टेम्परेचर बढ़ा होगा तो फिर मैं आपको हरगिज ना जाने दूंगा। टेम्परेचर लेने की कोई जरूरत नहीं, मैंने सोच लिया है। रानी साहिबा, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। वसुधा ने मुस्कुरा करके कहा, आप निश्चिंत रहिए डॉक्टर साहब, मैं इतनी जल्दी नहीं मरी जाती हूं, और फिर अगर किसी बीमारी की दवा मौत से ही हो तो फिर आप क्या करेंगे? डॉक्टर ने फिर 2-1 बार आग्रह किया, फिर विस्मय से सर हिलाता हुआ वहां से चला गया। रेलगाड़ी से जाने में आखिरी स्टेशन से 10 कोस तक जंगली सुनसान रास्ता तय करना पड़ता था, इसलिए कुंवर साहब बराबर मोटर पर ही जाते थे। वसुधा ने उसी से जाने का निश्चय किया। 10 बजते बजते दोनों मोटरें आ गईं।
वसुधा ने ड्राइवरों पर गुस्सा उतारा कि अब मेरे हुक्म के बगैर कहीं मोटरें ले गए तो मोटर का किराया तुम्हारी तनख्वाह से काट लूंगी। अच्छा मजाक लगा के रखा है, घर को रोएं और बन की गाएं। हमने अपने आराम के लिए मोटर रखी है, किसी की खुशामद के लिए नहीं। जिसे मोटर पर सवार होने का शौक हो वह मोटर खरीदे, यह नहीं कि हलवाई की दुकान देखी और दादी का फतीहा पढ़ने बैठ गए। वह चली तो दोनों बच्चे कुनमुनाए, मगर जब मालूम हुआ कि अम्मा बड़ी दूर हवा मारने जा रही हैं तो उनका यात्रा प्रेम ठंडा पड़ा। वसुधा ने आज सुबह उन्हें प्यार न किया था। उसने जलन में सोचा कि मैं ही क्यों इनको प्यार करूं, मैंने ही क्या इसका ठेका लेकर के रखा है। वह तो वहां जाकर के चैन करें और मैं यहां इनको छाती से लगा करके बैठी रहूं। लेकिन चलते समय माता का हृदय पुलक उठा, दोनों को बारी बारी गोदी में लिया, चूमा, प्यार किया और घंटे भर में लौट आने का वचन देकर के वह सजल नेत्रों के साथ में घर से निकली। मार्ग में भी उन बच्चों की याद बार बार आती रही। रास्ते में कोई गांव आ जाता, कोई छोटे छोटे बालक मोटर की दौड़ देखने के लिए घरों से निकल आते और सड़क पर खड़े होकर के तालियां बजाते हुए मोटर का स्वागत करते, तो वसुधा का जी चाहता था कि इन्हें गोद में उठा करके प्यार कर लूं। मोटर जितने वेग से आगे जा रही थी उतने ही वेग से उसका मन सामने के वृक्षों के पीछे की ओर उड़ा जा रहा था। कई बार उसकी इच्छा हुई कि घर लौट चलूं। जब उन्हें मेरी रत्ती भर परवाह नहीं है तो मैं ही क्यों उनकी फिक्र करूं। जी चाहे आए या ना आए, लेकिन एक बार पति से मिलकर के उनसे खरी खरी बातें कहने का प्रलोभन वह रोक नहीं सकती थी। सारी देह थक करके चूर हो गई थी, बुखार भी हो गया था, सर दर्द से फटा जाता था, पर वह संकल्प से सारी बाधाओं को दबाए हुए आगे बढ़ती जाती थी। यहां तक कि जब वह 10 बजे रात को जंगल के उस डाक बंगले में पहुंची तो उसे तन बदन की सुध भी ना थी। जोर का बुखार चढ़ा हुआ था। शोर की आवाज सुनते ही कुंवर साहब निकल आए और पूछा, अरे तुम यहां कैसे आए जी, सब ठीक तो है? शोफर ने समीप आकर के कहा, रानी साहब आई हैं हुजूर, रास्ते में बुखार हो गया, बेहोश पड़ी है। कुंवर साहब ने वहीं खड़े होकर के कठोर स्वर में कहा, तो तुम उन्हें वापस क्यों नहीं ले गए? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यहां पर कोई वैद्य हकीम नहीं है? शोफर ने सिटपिटा करके कहा, हुजूर वह किसी तरह से मानती नहीं। कुंवर साहब ने उसे डांटा, चुप रहो जी, बातें मनाते हो। तुमने सोचा होगा कि शिकार की बहार देखेंगे और पड़े पड़े सोएंगे, तुमने वापस चलने को कहा ही नहीं होगा। शोफर, वह मुझे डांटती थी हुजूर। तुमने कहा था? मैंने कहा तो नहीं हुजूर। अरे तो बस चुप हो जा, मैं तुमको भी पहचानता हूं, तुम्हें मोटर लेकर के इसी वक्त लौटना पड़ेगा। और कौन कौन साथ में है? शोफर ने दबी हुई आवाज में कहा। एक मोटर पर बिस्तर और कपड़े हैं और एक पर खुद रानी साहिबा है। यानी और कोई साथ नहीं है ना? हुजूर मैं तो बस हुक्म का ताबेदार हूं। अरे चुप रहो। यूं झल्लाते हुए कुंवर साहब वसुधा के पास में गए और आहिस्ता से पुकारा। जब कोई जवाब न मिला तो उन्होंने धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा। सर गरम तवा हो रहा था, उस ताप ने मानो उनकी सारी क्रोध की ज्वाला को खींच लिया। लपक करके बंगले में गए और सोए हुए आदमियों को जगाया, पलंग बिछवाया और अचेत वसुधा को गोद में उठा करके कमरे में लेकर के आए और पलंग पर लिटा दिया। फिर उसके सरहाने खड़े होकर के उसे व्यथित नेत्रों से देखने लगे। उस धूल से भरे हुए मुखमंडल और बिखरे हुए रजरंजित केशों में उन्हें आज आग्रहमय प्रेम छलक रहा था। अब तक उन्होंने वसुधा को विलासिनी के रूप में देखा था, जिसे उनके प्रेम की परवाह नहीं थी, जो कि अपने बनाव और श्रृंगार में ही मगन रहती थी। आज धूल के पाउडर और पोमेड में वह उसके नारित्व का दर्शन कर रहे थे। उसमें कितना आग्रह था, कितनी लालसा थी। अपनी उड़ान के आनंद में डूबी हुई अब वह पिंजरे के द्वार पर आकर के पंख फड़फड़ा रही थी। पिंजरे का द्वार खुल करके क्या उसका स्वागत न करेगा? रसोइये ने पूछा, क्या सरकार अकेली आई हैं?
कुंवर साहब ने कोमल कंठ से कहा, हां जी और क्या, इतने आदमी हैं, किसी को साथ ना लिया, आराम से रेलगाड़ी से आ सकती थी, यहां से मोटर भेजी जाती। मन ही तो है, कितने जोर का बुखार है कि हाथ ही नहीं रखा जाता। जरा सा पानी गर्म करो और देखो कि कुछ खाने को बना लो, रसोइये ने ठाकुर सुहाती के हिसाब से कहा। 100 कोस की दौड़ बहुत होती है सरकार, सारा दिन बैठे बैठे बीत गया। कुंवर साहब ने वसुधा के सर के नीचे तकिया सीधा करके कहा, कचूमर तो हम लोगों का निकल जाता है, 2 दिन तक कमर सीधी नहीं होती, फिर तो इनकी बात ही क्या है। ऐसी बेहुदा सड़क दुनिया में कहीं ना होगी। यह कहते हुए उन्होंने एक शीशी से तेल निकाला और वसुधा के सर पर मलने लगे। वसुधा का ज्वर 21 दिन तक ना उतरा। घर के डॉक्टर आए, दोनों बालक, मुनिया, नौकर चाकर सभी आ गए। जंगल में मंगल हो गया। वसुधा खाट पर पड़ी पड़ी कुंवर साहब की सेवा का अलौकिक आनंद और संतोष का अनुभव कर रही थी। वह दोपहर दिन चढ़े तक सोने के आदि थे, कितने सवेरे उठते थे और उसके खाने और आराम की जरा सी भी बातों का कितना ख्याल करते थे। जरा देर के लिए स्नान और भोजन करने के लिए जाते थे और फिर आकर के बैठ जाते थे। एक तपस्या सी कर रहे थे। उसका स्वास्थ्य बिगड़ता जाता था, चेहरे पर स्वास्थ्य की लाली नहीं थी, कुछ व्यस्त से रहते थे। एक दिन वसुधा ने कहा, तुम आजकल शिकार खेलने क्यों नहीं जाते? मैं तो शिकार खेलने के लिए ही आई थी, मगर न जाने किस साइड से चली थी कि तुम्हें इतनी तपस्या करनी पड़ गई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, जरा आईने में अपनी सूरत भी तो देखो। कुंवर साहब को इतने दिनों शिकार का जरा भी ध्यान नहीं आया था, इसकी चर्चा ही ना होती थी। शिकारियों का आना जाना, मिलना जुलना सब कुछ बंद था। एक बार साथ के शिकारी ने किसी शेर का जिक्र किया। कुंवर साहब ने उसकी ओर कुछ ऐसी कड़वी आंखों से देखा कि वह वहीं सूख गया। वसुधा के पास में बैठकर उससे कुछ बातें करके, उसका मन बहला के, दवा और खाने का इंतजाम करके उन्हें बहुत ही आनंद मिल रहा था। उनका भोग विलास का जीवन इस कठोर व्रत में जैसे बुझ गया था। वसुधा की एक हथेली पर अंगुलियों से रेखा खींचने में मगन थे। शिकार की बात किसी और के मुंह से ना सुनी होती तो फिर उसी आग्नेय नेत्रों से देखते। वसुधा के मुंह से यह चर्चा सुनकर के उन्हें बहुत ही दुख हुआ। वह उन्हें शिकार का आसक्त समझती है। अमर्ष से भरे हुए स्वर में बोले, हाँ शिकार खेलने का इससे अच्छा और क्या अवसर मिलेगा। वसुधा ने आग्रह किया कि मैं तो अब अच्छी हूं, सच देखो आईने की ओर देख करके, मेरे चेहरे पर अब वह पीलापन नहीं है। तुम अलबत्ता बीमार लगते हो, जरा मन बहल जाएगा तुम्हारा। बीमार के पास बैठने से आदमी सचमुच बीमार हो जाता है, वसुधा ने साधारण सी बात कही थी, पर कुंवर साहब के हृदय पर वह चिंगारी के समान लगी। इधर वह अपने शिकार के खो जाने पर कई बार पछता चुके थे। अगर वह शिकार के पीछे यूं न पड़ते तो वसुधा यहां क्यों आती और क्यों बीमार पड़ती। उन्हें मन ही मन इसका बहुत ही दुख हो रहा था। इस वक्त वह कुछ नहीं बोले, शायद कुछ बोला ही नहीं गया। फिर वसुधा की हथेली पर रेखाएं बनाने लगे। वसुधा ने उसी सरल स्वभाव से कहा, अब की तुमने क्या क्या तोहफे जमा किए, जरा मंगाओ मैं भी देखूं, उनमें से जो अच्छा होगा मैं ले लूंगी। अब की मैं तुम्हारे साथ में शिकार खेलने चलूंगी, बोलो मुझे ले चलोगे ना? मैं मानूंगी नहीं, बहाने मत बनाना। अपने शिकारी तोहफे दिखाने का कुंवर साहब को मरज था। सैकड़ों ही खालें जमा करके रखी थी। उनके कई कमरों में फर्श, गद्दे, कोच, कुर्सियां, मोढ़े सब खालों के ही थे। ओढ़ना और बिछौना भी खालों का ही था। बाघ की खालों के कई सूट बनवा करके रखे थे, शिकार में वही सूट पहनते थे। अब की भी बहुत से सींग, सर, पंजे, खालें ये सब जमा करके रखी थी। वसुधा का इन चीजों से जरूर मनोरंजन होगा, यह वे ना समझ सके कि वसुधा ने सिंह द्वार से प्रवेश न करके चोर दरवाजे से घुसने का प्रयत्न किया था। जाकर के वह चीजें उठा लाए, लेकिन आदमियों को पर्दे की आड़ में खड़ा करके पहले अकेले ही उसके पास में गए। डरते थे कि कहीं मेरी उत्सुकता
वसुधा को बुरी ना लगे। वसुधा ने उत्सुक होकर के पूछा, चीजें नहीं लेकर के आए? तोहफे लाए गए? हाँ लाया तो हूं, मगर कहीं डॉक्टर साहब ना हो, डॉक्टर ने पढ़ने लिखने से मना किया था। अब तोहफे लाए गए और कुंवर साहब एक चीज निकाल करके दिखाने लगे। वसुधा के चेहरे पर हर्ष की ऐसी लाली हफ्तों से न दिखी थी, जैसे कि कोई बालक तमाशा देख करके मगन हो रहा हो। बीमारी के बाद में हम बच्चों की तरह जिद्दी उतने ही आतुर उतने ही सरल हो जाते हैं। जिन किताबों में मन न लगा हो वह बीमारी के बाद पढ़ी जाती हैं। वसुधा जैसे उल्लास की गोद में खेलने लगी। चीतों की खालें थी, बाघों की, मृगों की, शेरों की। वसुधा हर एक खाल नई उमंग से देखती थी, जैसे कि बायोस्कोप के एक चित्र के बाद में दूसरा चित्र आ रहा हो। कुंवर साहब एक एक तोहफे का इतिहास सुनाने लगे। यह जानवर कैसे मारा गया, उसके मारने में क्या क्या बाधाएं पड़ी, क्या क्या उपाय करने पड़े, पहले कहां गोली लगी आदि। वसुधा हरेक की कथा आंखें फाड़ फाड़ करके सुन रही थी। इतना सजीव स्फूर्तिमय आनंद उसे आज तक किसी कविता, संगीत या आमोद में भी ना मिला था। सबसे सुंदर एक सिंह की खाल थी, वही उसने छांटी। कुंवर साहब की यह सबसे बहुमूल्य वस्तु थी, उसे अपने कमरे में लटकाने को रखे हुए थे। बोले कि तुम बाघांबरों में से कुछ ले लो, यह तो कोई अच्छी चीज नहीं है। वसुधा ने खाल को अपनी ओर खींच करके कहा, रहने दीजिए अपनी सलाह, मैं खराब ही लूंगी। कुंवर साहब ने जैसे अपनी आंखों से आंसू पोंछ करके कहा, ठीक है तुम वही ले लो, मैं तो तुम्हारे ख्याल से कह रहा था। ठीक है, मैं फिर वैसा ही कुछ मार लूंगा। तो तुम मुझे चकमा क्यों देते थे? चकमा कौन देता था? अच्छा खाओ मेरे सर की कसम कि वह सबसे सुंदर खाल नहीं है। कुंवर साहब ने हार की हंसी हंस करके कहा, अब कसम क्या खाना है इस खाल के लिए? ऐसी ऐसी 100,000 खालें होना तो तुम्हारे ऊपर निछावर कर दूं। जब शिकारी सब खालें लेकर के चला गया तो कुंवर साहब ने कहा कि मैं इस खाल पर काले ऊन से अपना समर्पण लिखूंगा। वसुधा ने थकान से पलंग पर लेटते हुए कहा, अब मैं भी शिकार खेलूंगी। फिर वह सोचने लगी कि वह भी कोई शेर मारेगी और उसकी खाल पतिदेव को भेंट करेगी। उस पर लाल ऊन से लिखा जाएगा, प्रियतम, जिस ज्योति के मंद पड़ जाने से हर एक व्यापार हर एक व्यंजन पर अंधकार छा गया था, वह ज्योति अब प्रदीप्त होने लगी थी। शिकारों का वृत्तांत सुनने की वसुधा को चाट सी पड़ गई थी। कुंवर साहब को कई कई बार अपने अनुभव सुनाने पड़े, लेकिन उसका सुनने से जीना भरता था। अब तक कुंवर साहब का संसार अलग था, जिसके दुख सुख हानि लाभ आशा निराशा से वसुधा को कोई सरोकार नहीं था। वसुधा को इस संसार के व्यापार से कोई रुचि नहीं थी, बल्कि अरुचि थी। कुंवर साहब इस पृथक संसार की बातें उससे छिपाते थे, पर अब वसुधा उनके इस संसार में एक उज्ज्वल प्रकाश, एक वरदान वाली देवी के समान अवतरित हो गई थी। एक दिन वसुधा ने आग्रह किया कि मुझे बंदूक चलाना सिखा दो। डॉक्टर साहब की अनुमति मिलने में विलंब न हुआ, वसुधा स्वस्थ हो गई थी। कुंवर साहब ने शुभ मुहूर्त में उसे दीक्षा भी दे दी। उस दिन से जब देखो वृक्षों की छाह में खड़ी अपने निशाने का अभ्यास कर रही है और कुंवर साहब खड़े उसकी परीक्षा ले रहे हैं। जिस दिन उसने पहली चिड़िया मारी, कुंवर साहब हर्ष से उछल पड़े। नौकरों को इनाम दिए, ब्राह्मणों को दान दिया गया। इस आनंद की शुभ स्मृति में उस पक्षी की ममी बना करके रखी गई। वसुधा के जीवन में अब एक नया उत्साह, एक नया उल्लास, एक नई आशा थी। पहले की भांति ही उसका वंचित हृदय अशुभ कल्पनाओं से त्रस्त नहीं था, अब उसमें विश्वास था, बल था, अनुराग था। कई दिनों के बाद में वसुधा की साधा पूरी हुई। कुंवर साहब उसे साथ में लेकर के शिकार खेलने को राजी हुए, और शिकार था शेर का, और शेर भी वह जिसने उधर 1 महीने से आसपास के गांव में तहलका मचा करके रखा था। चारों तरफ अंधकार था, ऐसी सघन कि पृथ्वी उसके भार से कराहती हुई जान पड़ती थी। कुंवर साहब और वसुधा एक ऊंचे मचान पर बंदूक लिए दम साधे बैठे हुए थे। बहुत भयंकर जंतु था।
अभी पिछली ही रात को वह एक सोते हुए आदमी को खेत में मचान के ऊपर से खींच करके ले भागा था। उसकी चालाकी पर लोग दांतों तले उंगली दबाए थे। मचान इतना ऊंचा था कि चीता उछल करके ना पहुंच सकता था। हाँ, उसने यह देख लिया था कि आदमी मचान पर बाहर की तरफ सर किए हुए सो रहा है। दुष्ट को एक चाल सूझी, वह पास के गांव में गया और वहां से एक लंबा बांस उठा करके लाया। बांस के एक सिरे को उसने दांतों से कुचला और जब उसकी कच्ची सी बन गई तो उसने न जाने अपने अगले पंजों या दांतों से उठा करके सोने वाले आदमी के बालों में फिराने लगा। वह जानता था कि बाल बांस के रेशों में फंस जाएंगे। एक झटके में वह अभागा आदमी नीचे आ रहा। इसी मानस भक्षी चीते की घात में दोनों शिकारी बैठे हुए थे। नीचे कुछ दूर पर भैंसा बांध दिया गया था और शेर के आने की राह देखी जा रही थी। कुंवर साहब तो शांत थे पर वसुधा की छाती धड़क रही थी। जरा सा भी पत्ता खड़कता तो वह चौंक पड़ती थी और बंदूक सीधी करने के बदले में चौंक करके कुंवर साहब से चिपक जाती थी। कुंवर साहब बीच बीच में उसकी हिम्मत बंधाते जाते थे। जैसे ही भैंसे पर आया, मैं उसका काम तमाम कर दूंगा, तुम्हारी गोली की नौबत नहीं आएगी, वसुधा ने सिहर करके कहा। और जो कहीं निशाना चूक गया तो वह उछलेगा? अरे उछलेगा तो मैं दूसरी गोली चला दूंगा। तीनों बंदूकें भर करके तैयार हैं। तुम्हारा जी नहीं घबराता? अरे बिल्कुल नहीं घबराता। तुम्हारा जी तो नहीं घबरा रहा है? बिल्कुल नहीं, मैं तो चाहती हूं कि पहला निशाना मेरा हो। पत्ते तभी खड़खड़ा उठे। वसुधा चौंक करके पति के कंधों से लिपट गई। कुंवर साहब ने उसकी गर्दन पे हाथ डाल करके कहा, दिल को थोड़ा मजबूत करो प्रिय। वसुधा ने लज्जित होकर के कहा, नहीं नहीं मैं डरती नहीं, जरा चौंक पड़ी थी। सहसा भैंसे के पास दो चिंगारियां सी चमक उठी। कुंवर साहब ने धीरे से वसुधा का हाथ दबा करके शेर के आने की सूचना दी और सतर्क हो गए। जब शेर भैंसे पर आ गया तो उन्होंने निशाना मारा। निशाना खाली गया, दूसरा फैर किया। चीता जख्मी तो हुआ पर गिरा नहीं। क्रोध से पागल होकर के इतनी जोर से गरजा कि वसुधा का कलेजा दहल उठा। कुंवर साहब तीसरा फायर करने जा ही रहे थे कि चीते ने मचान पर जस्त मारी। उसके अगले पंजे के धक्के से मचान ऐसा हिला कि कुंवर साहब हाथ में बंदूक लिए झोंके से नीचे गिर पड़े। कितना भीषण अवसर था, मगर एक पल का भी विलंब होता तो कुंवर साहब की खैरियत नहीं थी। शेर की जलती हुई आंखें वसुधा के सामने चमक रही थीं। उसकी दुर्गंधमय सांस देह में लग रही थी। हाथ पैर फूले हुए थे, आंखें भीतर से सिकुड़ी जा रही थीं, पर इस खतरे ने जैसे उसकी नाड़ियों में बिजली भर दी थी। उसने अपनी बंदूक संभाली। शेर के और उसके बीच में दो हाथ से ज्यादा अंतर न था। वह उचक करके आना ही चाहता था कि वसुधा ने बंदूक की नली उसकी आंखों में डाल करके बंदूक छोड़ी। धाएं, शेर के पंजे ढीले पड़े, नीचे गिर पड़ा। अब समस्या भीषण थी। शेर से तीन चार कदम पर ही कुंवर साहब गिरे पड़े थे। शायद चोट ज्यादा आ गई थी। शेर में अगर अभी दम है तो वह उन पर जरूर वार करेगा। वसुधा के प्राण आंखों में थे और बल कलाइयों में। इस वक्त कोई उसकी देह में भाला भी चुभा देता तो उसे खबर न होती। वह अपने होश में नहीं थी, उसकी मूर्छा ही चेतना का काम कर रही थी। उसने बिजली की बत्ती जलाई, देखा कि शेर उठने की चेष्टा कर रहा है, दूसरी गोली उसके सर पर मारी और उसके साथ ही रिवॉल्वर को लिए हुए नीचे कूद पड़ी। शेर जोर से गुर्राया। वसुधा ने उसके मुंह के सामने रिवॉल्वर खाली कर दिया। कुंवर साहब संभल करके खड़े हो गए, दौड़ करके उसे छाती से लिपटा लिया। अरे यह क्या, वसुधा तो बेहोश थी। भय उसके प्राणों को मुट्ठी में लिए हुए उसकी आत्मरक्षा कर रहा था। भय के शांत होते ही मूर्छा आ गई। तीन घंटे के बाद में वसुधा की मूर्छा टूटी। उसकी चेतना अब भी उसी भयप्रद परिस्थिति में विचर कर रही थी। उसने धीरे से डरते डरते आंखें खोली। कुंवर साहब ने पूछा, कैसा जी है प्रिय? वसुधा ने उनकी रक्षा के लिए दोनों हाथों का घेरा बनाते हुए कहा, वहां से हट जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम पर झपट पड़े।
कुंवर साहब ने हंस करके कहा, अरे शेर तो कब का ठंडा पड़ चुका, वह बरामदे में पड़ा हुआ है। ऐसे डील डॉल का और इतना भयंकर शेर तो मैंने कभी देखा नहीं। वसुधा, तुम्हें चोट तो नहीं आई? कुंवर, अरे बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम कूद क्यों पड़ी थी? पैरों में बड़ी चोट आ गई होगी। तुम जीती कैसे बची यही आश्चर्य है, मैं तो इतनी ऊंचाई से कभी ना कूद सकता था। वसुधा ने चकित होकर के कहा, मैं कहां कूदी, शेर मचान पर आया इतना मुझे याद है, इसके बाद में क्या हुआ मुझे पता नहीं। कुंवर को भी विस्मय हुआ, अरे वाह, तुमने उस पर दो गोलियां चलाई और जब वह नीचे गिरा तो तुम भी कूद पड़ी और उसके मुंह में रिवॉल्वर की नली ठूंस दी, बस वहीं वह ठंडा हो गया। बड़ा बेहया जानवर था, अगर तुम चूक जाती ना तो वह नीचे आते ही मुझ पर चोट जरूर करता, मेरे पास तो छुरी भी नहीं थी, बंदूक हाथ से छूट करके दूर गिर पड़ी थी, अंधेरे में कुछ सुझाई देता नहीं था। तुम्हारी ही वजह से आज मैं जिंदा खड़ा हूं, तुमने मुझे प्राण दान दिए हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल यहां से कूच हुआ, जो घर वसुधा को फाड़े खाता था उसमें जाकर के आज उसे इतना आनंद आया जैसे कि किसी बिछड़े हुए मित्र को मिली हो। हर एक वस्तु उसका स्वागत करती हुई मालूम होती थी। जिन नौकरों और लौंडियों से वह महीनों से सीधे मुंह बात न बोली थी, उनसे आज वह हंस हंस करके कुशल पूछ रही थी और गले मिलती थी, जैसे अपनी पिछली रुखाइयों की पटौती कर रही हो। संध्या का सूर्य आकाश के स्वर्ण सागर में अपनी नौका खेता हुआ चला जा रहा था। वसुधा खिड़की के सामने कुर्सी पर बैठ करके सामने का दृश्य देखने में लगी थी। उस दृश्य में आज जीवन का विकास था, उन्माद था, केवट का वह सूना झोपड़ा भी आज कितना सुहावना लग रहा था। प्रकृति में मोहनी भरी हुई थी और मंदिर के सामने मुनिया राजकुमारों को खिला रही थी। वसुधा के मन में आज कुलदेव के प्रति श्रद्धा जागृत हुई, जो कि बरसों से पड़ी सो रही थी। उसने पूजा के सामान मंगवाए और पूजा करने को चली। आनंद से भरे भंडार से अब वह कुछ दान भी कर सकती थी। जलते हुए हृदय की ज्वाला के सिवा और क्या निकालती। उसी वक्त कुंवर साहब आकर के बोले, अच्छा पूजा करने जा रही हो? मैं भी वहीं जा रहा था, मैंने एक मनौती मांग करके रखी है। वसुधा ने मुस्कुराती हुई आंखों से पूछा, कैसी मनौती है? कुंवर साहब ने हंस करके कहा, आप ये मैं ना बताऊंगा। तो यह थी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई एक और जबरदस्त कहानी, शिकार। इस कहानी में दिखाया गया है कि जब एक पत्नी अपने पति के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेने लगती है तो दोनों की लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और इसके अंत में जो उनके पति हैं वो कोई मन्नत की बात करते हैं। अब वो कौन सी मन्नत उन्होंने मांगी है ये तो मेरी समझ में आया नहीं। अगर आपकी समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।